Hello, my tiny tots. Welcome to Deepal Kindergarten Rabri Factory. Today, I'll be teaching you subject English. Alphabet V. आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे subject English और आज हम पढ़ेंगे letter V. So take out your ample alphabet book, page number 32, letter V. ये क्या है? कैपिटल वी एंड स्मॉल वी. क्या है? कैपिटल वी एंड स्मॉल वी. नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है? इट इज वी फॉर वैन. ये क्या है? वी फॉर वैन. व्हाट इज दिस? दिस इज वी फॉर वल्चर. ये क्या है? वी फॉर वल्चर. एंड दिस इज वी फॉर वास. ये क्या है? V for vase, V for van, V for vulture and V for vase. Now my dear children, what are these things used for? ये चीजें किसके लिए यूज होती है? ये क्या है? ये हमको पता होना चाहिए ना. अब नाम तो हमको पता चल गए, this is van, this is vulture, this is vase, but कौन सी चीज किस चीज के लिए यूज होती है, या फिर ये क्या है? ये हमको दिख तो रहा है वल्चर, बट क्या है इसके बारे में हमको पता है क्या? नो. सो लेट अस नो व्हाट आर दिस थिंग्स यूज फॉर एंड व्हाट आर दिस कॉल्ड. और ये क्या है? वी फॉर वल्चर. व्हाट इज मीन बाय वल्चर? वल्चर क्या होता है? वल्चर मीन्स गीद. गीदड़ बोलते हैं ना हिंदी में, दैट इज कॉल्ड वल्चर. नाउ व्हाट वल्चर्स कैसे होते हैं? वल्चर इज अ टाइप ऑफ अ बर्ड. ये एक बर्ड है. इसकी बीक ऐसे हुक बीक होती है. इसकी बीक जो होती है वो बहुत पॉइंटेड, शार्प और पॉइंटेड होती है. ये जल्दी से कोई भी एनिमल या किसी भी चीज को स्नैप कर सकते हैं. ये फटाफट अपने बीक में पकड़ सकते हैं. इनकी बीक में मतलब बहुत तेज होल्ड रहता है. ये बहुत, अगर इन्होंने किसी चीज को होल्ड कर लिया तो जल्दी से वो एनिमल उनके पास से छूट नहीं सकता है. इनके फीट्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं. दे आर बाल्ड फ्रॉम देयर हेड. उनको उनके सर पे बाल नहीं रहते हैं, बट दे हैव वेरी स्ट्रांग फेदर्स. उनके फेदर्स बहुत बड़े और बहुत स्ट्रांग रहते हैं. एंड वल्चर्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स. वल्चर बाकी के बर्ड्स में से भी, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड, मतलब ये बाकी के बर्ड्स में से भी एक सबसे तेज और ऊपर, हाईएस्ट उड़ने वाला बर्ड है. नाउ व्हाट इज दिस? वी फॉर वैन. वैन क्या होती है? इट्स अ फोर व्हीलर. ये कार की जैसी होती है. इट इज यूज फॉर स्कूल्स में भी होती है. ज्यादातर स्कूल्स के बच्चों को ये आसपास के एरिया से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करती है. हम वैन में घूमने जा सकते हैं. और शुरू में वैन ही फोर व्हीलर्स थे, तो सबने इस गाड़ी में एंजॉय तो किया ही है मोस्टली. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज वी फॉर वास. वास मींस इट इज अ काइंड ऑफ फ्लावर पॉट. इट हैज डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस एंड वी कैन कीप डिफरेंट फ्लावर्स इन द वास. हम वास, वास मींस क्या? एक फ्लावर पॉट जैसे होता है, हम उसको फ्लावर पॉट भी बोलते हैं, वास भी बोलते हैं. वो अलग अलग साइजेस का, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का रहता है और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का रहता है. मतलब कोई छोटे रहते हैं, कोई बड़े रहते हैं, कोई थिन रहते हैं, कोई बहुत टॉल रहते हैं. ऐसे अलग अलग टाइप के वास के शेप्स होते हैं और साइजेस भी होते हैं. और हम इसमें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स रख सकते हैं. हम इसमें रियल फ्लावर्स भी लाके रख सकते हैं और हम इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लाके रख सकते हैं. सो माय डियर चिल्ड्रंस, Have you understood about the examples from the letter V? V for van, V for vulture and V for bus. V for vulture, V for van and V for bus. Now let us see how to write alphabet V. Hum alphabet V ko likhenge kaise? For that, you will be needing your four lines notebook, pencil and an eraser. So, my dear children, are you ready with your book, pencil and eraser? So, shall we start? Now, we have a four lines, okay?
हम इंग्लिश के जो भी अल्फाबेट्स है वो फोर लाइन में लिखते हैं। तो हमको कैपिटल लेटर्स के लिए फर्स्ट थ्री लाइन यूज करनी रहती है और स्मॉल लेटर्स के लिए मिडिल टू लाइंस यूज करनी रहती है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक एक बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन निकालेंगे, फिर थर्ड लाइन से वापस फर्स्ट लाइन तक फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन निकालेंगे। ये हो गया कैपिटल वी। ओके, लेट अस सी वंस अगेन। फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक नीचे की ओर हम लोग निकालेंगे बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, और फिर नीचे से ऊपर थर्ड लाइन से वापस फर्स्ट लाइन तक हम निकालेंगे फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन। ये हो गया कैपिटल वी। स्मॉल वी भी वैसा ही है, बट हमको वो लिखना है मिडिल टू लाइंस। वी नीड टू यूज मिडिल टू लाइंस फॉर स्मॉल वी। तो हम क्या करेंगे, फिर से वैसे ही सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक एक बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन निकालेंगे, फिर उसी थर्ड लाइन से जहां हमने हमारी लाइन एंड की है वहां से वापस सेकेंड लाइन तक एक फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन निकालेंगे। ये हो गया स्मॉल बी। लेट अस सी वंस अगेन। हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन वन बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, अगेन फ्रॉम थर्ड लाइन वी नीड टू गो रिवर्स, फ्रॉम थर्ड लाइन टू फर्स्ट लाइन फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन। इट इज कैपिटल बी फॉर स्मॉल बी। फ्रॉम सेकेंड लाइन टू थर्ड लाइन वी आर गोइंग टू रिमूव वन backward slanting line and again reverse we will go, from third line to second line we will remove one forward slanting line, this is small b। kya karenge, first line se third line tak backward slanting line aur third line se wapis reverse jayenge first line tak forward slanting line, this is capital b। for small b also we are going to use the same thing, सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक हम लेंगे एक बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, अगेन रिवर्सिबल, हम लोग अगेन थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक लेंगे एक फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, सो इट विल बी अ स्मॉल वी। कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी। सो माय डियर चिल्ड्रंस, हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ लेटर वी, ऑफ अल्फाबेट वी, एंड हाउ टू राइट कैपिटल वी एंड स्मॉल वी? क्या आप लोगों को समझ आया कि एग्जाम्पल्स जो अल्फाबेट वी से जो जो लेटर्स है वो, और हमको कैसे हमारा कैपिटल वी और स्मॉल वी लिखना है? सो व्हाट इज द होमवर्क फॉर यू, व्हाट इज द होमवर्क फॉर यू माय टाइनी डॉट्स? टुडे यू हैव टू राइट वन फुल पेज ऑफ अल्फाबेट वी कैपिटल एंड स्मॉल टुगेदर इन योर इंग्लिश नोटबुक। आज आपका होमवर्क क्या है, आपको अल्फाबेट वी That is capital and small V, आपको आपके English के notebook में one page लिखना है। Bye bye, stay home, stay safe.